अंबाला के गांव फतेहगढ़ साहिब के सरपंच और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी का पोस्ट लगातार पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि गांव के सरपंच के घर के बाहर जान से मारने की धमकी का पोस्टर लगा मिला, जिसमें लिखा है कि उससे और उसके परिवार को मार दिया जाएगा, यह डेथ वारंट है। फिलहाल सरपंच की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सरपंच को इस मामले में अभी तक किसी पर शक नहीं है और ना ही वे जानते हैं कि किन शरारती तत्वों का काम है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे अपनी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि जब किसी का नाम सामने आएगा तो वो शिकायत कर देंगे। आपका जी? मेरा नाम विक्रांत शर्मा। विक्रांत जी, ये क्या मामला है जो आपके घर का पोस्टर लगा हुआ है? ऐसा है कि ये रात को ही पता नहीं किस समय आया कोई बंदा अज्ञात, और ये पोस्टर हमें सुबह लगा हुआ मिला। 6:30 बजे मेरे ब्रदर आए तो उन्होंने जैसे ही देखा तो ये पोस्टर लगा हुआ मिला। तो सर, इसकी कोई कंप्लेंट अगर आपने? इसकी हमने कंप्लेंट SP हेडक्वार्टर मैंने फ़ोन कर दिया था, CID वालों को भी फ़ोन किया, प्रशासन के पूरे अधिकारियों को इसकी इंटीमेशन जा चुकी है और पुलिस की टीम यहाँ आ चुकी है और वो हमारी कार्रवाई करके ले गए हैं। उनका बार बार यही कहना था कि आपको किसी के ऊपर शक है, लेकिन जब तक हमें कोई किसी चीज़ की कोई हमें किरण नहीं दिखाई देती तो बिना वजह के हम किसी के ऊपर शक कैसे करें, ठीक है। और ये नहीं पता कि किन शरारती तत्वों का काम है। और ये चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे एक राजनीति का शिकार बनाने की 2 साल से कोशिश हो रही है। ये नहीं पता कि ये किसने लगाया, लेकिन ये मैं खुले मन से आपके माध्यम से जनता तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि मैंने हमेशा जनता के हितों की रक्षा की, चाहे वो किसान था, मजदूर था, दस्तकार था, हर वर्ग की मैंने लड़ाई लड़ी। लेकिन इसी के राजनीति का उभरता सितारा हम लोगों को, जो राजनीति के दिग्गज हैं नारायणगढ़ के, उनको हजम नहीं हो रहा। और वो आदमी 2 साल से मुझे राजनीतिक तौर पर तंगी का सामना मुझे करना पड़ रहा है और ये चीज़ मैं काफ़ी दिनों से महसूस कर रहा हूँ। भी किसी पे मेरे को शक नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने प्रशासन को भी यही बात कही है, DDR में भी मैंने यही बयान दिए हैं कि जैसे भी हमें किसी के ऊपर शंका या कोई शुभ होता है तो हम उसका नाम सामने लाएंगे और कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। फतेहगढ़ के सरपंच के घर के बाहर धमकी भरा पत्र मिला है, क्या कहना है? सर, हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे सरपंच अपने जो विक्रांत शर्मा जी हैं, तो उनके घर पे किसी ने अननोन व्यक्ति ने शरारती तत्व ने एक पोस्टर लगाया हुआ है, तो उस सूचना फिर हम जाके आए वहाँ पे, हमने देखा पोस्टर लगा हुआ था और अपना विक्रांत जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने अपना बयान भी लिखवाया है। उन्होंने ये बताया कि मुझे किसी पर शक नहीं है, ना मेरी किसी रंजिश है, तो अभी देख रहे हैं इसको। वैसे वो उन्होंने बोला कि अब मैं कार्रवाई नहीं करवाना चाहता कोई इस पर, और अगर उनको कुछ भी कुछ पता चलेगा या किसी पर शक होगा तो हमें बताएंगे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।